हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित विषय की प्रश्नावली 2.6 को हल करेंगे। यह प्रश्नावली दशमलव संख्याओं के गुणन पर आधारित है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है फाइंड, ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला भाग है 0.2 × 6। सबसे पहले आपने इन संख्याओं को ऐसे गुणा करना है जैसे कि इनमें दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। यदि 0.2 में दशमलव नहीं होता तो इसे हम पढ़ते 0.2, अर्थात इसकी वैल्यू केवल 2 ही होती। तो आप 2 और 6 को गुणा करेंगे तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा? 2 6 जार या 6 2 जार 12। अब आप देखेंगे कि जिन संख्याओं को आप गुणा कर रहे हैं उनमें आप देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे तो गुणनफल में भी आप दशमलव के बाद उतने ही अंक रखेंगे। तो पहली स्थिति में 0.2 अर्थात दशमलव बिंदु के बाद केवल 1 अंक है, तो हम गुणनफल में भी दशमलव के बाद 1 अंक रखेंगे, तो उत्तर आएगा 1.2। दूसरा भाग है 8 × 4.6। 4.6 का यदि दशमलव नहीं होता तो इसे हम पढ़ते 46। 46 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 जार 48, 8 4 जार 32, 32 में 4 ऐड करेंगे 36। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, तो हम गुणनफल में भी दशमलव के बाद केवल 1 अंक रखेंगे, तो हमें आंसर प्राप्त होगा 36.8। तो इसका आंसर लिखेंगे 36.8। आइए अब हम शीघ्रता से और शुद्धता से इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। 2.71 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले दशमलव को भूल जाएंगे, आप 271 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 1 इज 5, 5 7 जार 35, carry 3, 5 2 जार 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13। अब देखिए आप जिन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं? दशमलव के बाद 7 और 1 यानी केवल 2 डिजिट्स, 2 अंक हैं, तो हम गुणनफल में भी दशमलव के बाद केवल 2 अंक रखेंगे। तो बताइए दशमलव कहाँ पर लगाना होगा? दशमलव हमें 3 और 5 के बीच लगाना होगा। यह मान 13.55 हो जाएगा। अगला है 20.1 को 4 से गुणा करना है तो आप 201 को 4 से गुणा कर लेंगे। 4 1 इज 4, 4 0 इज 0, 4 2 जार 8, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यह हो जाएगा 80.4। 5 0.05 × 7, यदि इसमें दशमलव नहीं होता तो इसकी वैल्यू 5 होती। 5 7 जार या 7 5 जार 35, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम उत्तर में भी अर्थात गुणनफल में भी दशमलव के बाद 2 अंक रखेंगे, तो यह वैल्यू हो जाएगी 0.35। अब दशमलव से पहले कोई भी पूर्ण भाग नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, तो 0.35 इसका हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अगले प्रश्न में आप 4 से 21,102 को गुणा कर लेंगे। 4 2 जार 8, 4 0 इज 0, 4 1 इज 4, 4 1 इज 4, 4 2 जार 8। अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे? दशमलव के बाद हमें केवल 2 अंक रखने हैं, तो दशमलव हमें कहाँ लगाना होगा? 4 और 0 के बीच, तो उत्तर आएगा 844.08। अंतिम भाग है 2 × 0.86। तो 2 से आप 86 को गुणा कर लेंगे, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 16 में 1 ऐड करेंगे 17। दशमलव के बाद कितने डिजिट्स हैं? दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 8 और 6, तो हम गुणनफल में भी दशमलव के बाद 2 अंक रखेंगे, तो गुणनफल प्राप्त होगा 1.72। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेमी है। तो आयत यानी रेक्टेंगल
आप जानते होंगे। माना कि हमारे पास यह एक रेक्टेंगल है, आयत है। आपको दिया है कि इसकी जो लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वह 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसे हम लिखेंगे। आयत की लंबाई हमें दी है 5.7 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ आपको दी गई है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें जो दी गई है वह 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो इससे पहले के प्रश्न में आपने कुछ इसी तरह का अभ्यास किया हुआ है। तो आप 3 से 57 को गुणा करेंगे और दशमलव के बाद एक अंक रखेंगे। 3 7 जार 21, 3 5 जार 15 और 21 का कैरी कितना होगा 2, 15 में आप 2 ऐड करेंगे 17। अब देखिए जिन संख्याओं को आप गुणा कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम गुणनफल में भी दशमलव के बाद एक अंक रखेंगे। इसी प्रकार आप सेमी और सेमी को जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा सेमी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 17.1 सेमी स्क्वायर, 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 3 में आपने किसी दशमलव संख्या को 10, 100 या 1000 से गुणा करना है। आइए पहले हम देखते हैं 10, 100, 1000 से किसी दशमलव संख्या को कैसे गुणा किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक दशमलव संख्या लिखी 1.25, इसे मैं 10 यानी 10 से गुणा कर रहा हूँ। तो आप जानते होंगे कि जब किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं उस संख्या के आगे एक शून्य बढ़ जाता है। जैसे कि आप 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 2 के आगे एक शून्य बढ़ जाएगा, यानी यह 20 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 7 को यदि 10 से गुणा करें तो यह 70 हो जाएगा। तो मान लिया यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो इस संख्या को हम पढ़ते 125। तो 125 को 10 से गुणा करने पर यह आ जाएगा 1250। अब यहाँ पर देखिए दशमलव बिंदु के बाद दो अंक हैं, तो हमारे गुणनफल में भी दशमलव बिंदु के बाद दो अंक रहेंगे, अर्थात दशमलव हमें 2 और 5 के बीच में लगाना होगा। तो 1.25 को 10 से गुणा करने पर गुणनफल यानी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 12.50। इसी प्रकार यदि मैं 1.25 को 100 से गुणा करूं तो 100 से गुणा करने पर 125 के आगे आप 2 शून्य बढ़ाएंगे। अब हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो प्रोडक्ट में भी हम दशमलव के बाद 2 अंक रखेंगे, तो दशमलव बिंदु 5 और 0 के बीच आएगा। तो 1.25 को 100 से गुणा करने पर गुणनफल 125.00, जिसे हम 125 भी कह सकते हैं, प्राप्त होगा। अब यदि इस गुणा का हम विश्लेषण करें तो यहाँ पर एक अवधारणा यह स्पष्ट होती है कि जब किसी दशमलव संख्या को 10, 100 या 1000 या 10000 अर्थात एक के आगे कुछ शून्य वाली संख्या से गुणा किया जाता है तो दशमलव बिंदु जितने शून्य वाली संख्या से आप गुणा कर रहे होंगे उतने ही स्थान दाहिनी ओर यानी राइट साइड विस्थापित हो जाता है। जैसे कि हमने 1.25 को 10 से गुणा किया, अब आप देखिए 10 में कितने शून्य हैं, 1 शून्य है। तो यहाँ पर 1.25 में दशमलव 1 और 2 के बीच में था और गुणनफल में यह दशमलव 2 और 5 के बीच में आ चुका है, अर्थात दशमलव बिंदु एक अंक दाईं ओर राइट साइड में विस्थापित हो चुका है। इसी प्रकार 1.25 को जब हम 100 से गुणा कर रहे हैं, 100 में 2 शून्य है तो दशमलव कितने स्थान दाहिनी ओर खिसकेगा, 2 अंक दाहिनी ओर विस्थापित होगा। पहले दशमलव कहाँ था, 1 और 2 के बीच में, देखिए गुणनफल में अब कहाँ आ चुका है, 2 अंक यानी 2 डिजिट्स यह विस्थापित हो गया है, कहाँ को, दाहिनी ओर राइट साइड को। तो इस प्रकार जो दशमलव संख्याओं का 10, 100, 1000 से गुणा का नियम होता है
वह बन जाता है किसी दशमलव संख्या को 10, 100, 1000, 10000 अप टू सो ऑन से गुणा करने पर दशमलव बिंदु क्रमशः 1, 2, 3 स्थान दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है। यानी 10 से गुणा करोगे तो दशमलव एक स्थान, 100 से गुणा करने पर दशमलव दो स्थान अर्थात दो अंक, और 1000 से गुणा करने पर दशमलव 3 अंक, 10000 से गुणा करने पर दशमलव 4 अंक दाहिनी ओर विस्थापित हो जाएगा। तो इस नियम को ध्यान में रखकर अब हम आरंभ करते हैं प्रश्न संख्या 3। फर्स्ट 1.3 × 10, 1.3 को 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु एक स्थान दाहिनी ओर विस्थापित हो जाएगा। तो दशमलव कहाँ जाएगा? दाहिनी ओर अर्थात 3 के राइट साइड में। तो इसका मान हो जाएगा 13., आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। तो 13.0 को आप खाली 13 भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 36.8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो 10 में केवल एक 0 है, तो नियमानुसार दशमलव एक स्थान दाहिनी ओर आएगा। 8 के दाएं ओर आने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 368 पॉइंट कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। तो 368.0 को हम 368 भी कह सकते हैं। इसी प्रकार 153.7 को 10 से गुणा करने पर दशमलव एक स्थान दाहिनी ओर आएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1537। दशमलव शून्य यदि हम लिखें तो भी इसकी वैल्यू 1537 ही होगी। अगला प्रश्न है 168.07 को 10 से गुणा करना है। तो 10 से गुणा करने पर आप जानते हैं कि दशमलव एक अंक दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है। तो दशमलव 8 और 0 के बीच है, एक अंक अगर दाहिनी ओर आएगा तो 0 और 7 के बीच विस्थापित हो जाएगा। तो यह वैल्यू बन जाएगी 1680.7। अगला प्रश्न है 31.1 को आपने 100 से गुणा करना है। तो यदि इसमें दशमलव नहीं होता तो 311 को यदि हम 100 से गुणा करते तो 311 के आगे 2 शून्य और बढ़ जाते। अब यहाँ पर देखिए, हमें 100 से इसे गुणा करना है, 100 में 2 शून्य है, तो इसका जो दशमलव बिंदु है डेसिमल पॉइंट है वह 2 अंक दाहिनी ओर विस्थापित होगा। तो जो पॉइंट है वह 1 और 1 के बीच था, तो अब आपने इसे 2 अंक दाहिनी ओर ले जाना है। तो यह 0 और 0 के बीच आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 3110.0। यदि दशमलव के बाद खाली 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसे हम 3110 भी कह सकते हैं। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है 156.1 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यदि पॉइंट नहीं होता, इसे हम 100 से गुणा कर रहे होते तो इसके आगे आप 2 शून्य बढ़ाते। अब हमें 100 से गुणा करना है तो दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर विस्थापित होगा। तो जो दशमलव है वह 6 और 1 के बीच में था, तो गुणनफल में आप इसे 2 अंक दाहिनी ओर ले जाएंगे। तो यह 1 और 0 को पार करके 0 और 0 के बीच में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो प्राप्त होगी 15,610 प्राप्त होगी। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है 3.62 को आप 100 से गुणा करेंगे। तो 362 को यदि हम 100 से गुणा करते तो 362 के आगे 2 शून्य बढ़ जाते, लेकिन आपने 362 को गुणा नहीं करना है बल्कि 3.62 को गुणा करना है। अर्थात 100 से गुणा करने पर दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर जाता है। तो 3 और 6 के बीच जो दशमलव था यह 2 अंक पार करेगा दाहिनी ओर। तो यह 2 और 0 के बीच आ जाएगा अर्थात 362.00 को हम 362 ही कहेंगे। नेक्स्ट 43.07 को 100 से गुणा करने पर इसकी वैल्यू 4307 हो जाएगी, दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर विस्थापित होगा। इसी प्रकार 0.5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव 1 अंक दाहिनी ओर जाएगा, तो इसकी वैल्यू 5 बन जाएगी। नेक्स्ट 10 से मल्टीप्लाई करने पर दशमलव 1 अंक दाहिनी ओर जाएगा, तो यह 0.8
हो जाएगा। और इसी प्रकार 0.9 को 100 से गुणा करने पर दशमलव आपने दो अंक दाहिनी ओर ले जाना है, दशमलव 9 के बाईं ओर था तो यहाँ से दो अंक दाहिनी ओर जाएगा। अब हमारे पास दाहिनी ओर अंक नहीं है तो आप उसे शून्य से पूरा करेंगे तो दशमलव 0 और 0 के बीच आएगा तो यह बन जाएगा 90.0 अर्थात 90। 0.3 को 1000 से जब आप गुणा करेंगे तो 0.3 अंक दाहिनी ओर जाएगा। आपके पास जो दशमलव था वह यहाँ पर था, यहाँ से आप 3 अंक दाएं ओर जाएंगे 1, 2, 3 तो आप यहाँ पर दशमलव को रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 30.00 अर्थात इसे हम 30 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किमी की दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें दिया है 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी कितनी है, 55.3 किलोमीटर। और आपने ज्ञात करना है 10 लीटर पेट्रोल से वह कितनी दूरी तय करेगा। तो 10 लीटर पेट्रोल में वह अधिक दूरी तय करेगा तो अधिक मान ज्ञात करने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है, इसीलिए हम 55.3 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु एक स्थान दाहिनी ओर जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 553.0 जिसे हम 553 भी कह सकते हैं तो प्रश्न का उत्तर आएगा 553 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 5 का पहला भाग है 2.5 × 0.3। तो इस प्रश्न में हमें सभी ऐसे भाग दिए गए हैं जिनमें दोनों संख्याएं दशमलव संख्याएं हैं तो चलिए अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यदि 2.5 में दशमलव नहीं होता तो हम इसे कितना पढ़ते, 25। इसी प्रकार 0.3 में यदि दशमलव नहीं होता तो इसे हम लिखते 3। तो 25 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 75। लेकिन हमारे पास 25 और 3 नहीं था बल्कि 2.5 और 0.3 था जिन्हें हमें गुणा करना था। तो देखिए इन दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद एक अंक पहली संख्या में है और दशमलव के बाद एक अंक दूसरी संख्या में है अर्थात 1 और 1 दो अंक हमें गुणनफल में दशमलव के बाद रखने होंगे तो इसका गुणनफल प्राप्त होगा 0.75 जिसे हम 0.75 लिख सकते हैं। अब हमें 0.1 और 51.7 को मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए पहले हम 1 और 517 को गुणा करेंगे, इन्हें गुणा करने पर हमें मिलेगा 517। अब आप देखेंगे कि जिन संख्याओं को आप गुणा कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। एक अंक इधर है और दशमलव के बाद एक अंक दूसरी संख्या का है तो हमें दशमलव के बाद 1, 1 यानी 2 अंक रखने होंगे तो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा 5.17। तीसरा प्रश्न है 0.2 और 316.8 को हमने गुणा करना है। इसके लिए पहले हम 3168 को 2 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर यह प्राप्त हो जाएगा 6336। अब आपने देखना है कि जिन्हें हम गुणा कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। तो एक अंक पहली संख्या का है और एक अंक दूसरी संख्या में है अर्थात दशमलव के बाद दो अंक हमें रखने होंगे तो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा 63.36। चौथा भाग है 1.3 × 3.1 यदि तो 13 से आप 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 इज 13 कैरी 1, 13 3 इज 39, 39 में 1 ऐड करेंगे 40। दशमलव के बाद कुल कितने अंक रखेंगे, देखिए एक अंक पहली संख्या में है और एक अंक दूसरी संख्या में है तो हम उत्तर में दशमलव के बाद दो अंक रखेंगे तो यह हो जाएगा 4.03। पांचवा है 0.5 × 0.05। यदि दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं होता तो हम इसे 5 × 5 पढ़ते और 5 × 5 का मान होता है
25। अब जिन संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं? एक अंक पहली संख्या में है और दो अंक दूसरी संख्या में है, तो कुल तीन अंक हैं। तो हमें दशमलव के बाद कुल तीन अंक रखने होंगे, लेकिन हमारे पास केवल दो ही अंक हैं, तो तीसरा अंक हम शून्य से पूरा करेंगे और दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो वहां पर हम शून्य लिखेंगे, तो इनका गुणनफल प्राप्त होगा 0.025। छठा भाग है 11.2 को 0.15 से गुणा करना है, तो आप 15 से 112 को गुणा करेंगे। 15 2 जार 30, कैरी 3, 15 1 इज 15, 15 में 3 ऐड करेंगे, 18 कैरी 1, 15 1 इज 15, 15 में 1 ऐड करेंगे, 16। दशमलव के बाद एक अंक पहली संख्या में है और दो अंक दूसरी संख्या में है, तो कुल तीन अंक हमें उत्तर में रखने होंगे। तो दशमलव हमें कहाँ लगाना होगा? दशमलव हमें ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर दशमलव के बाद तीन अंक हों, अर्थात 1 और 6 के बीच हमें डेसिमल पॉइंट रखना होगा, तो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा 1.680। अगला प्रश्न है 1.07 को 0.02 से गुणा करना है, तो आप यह समझ लीजिए कि अभी इनमें दशमलव नहीं है, तो यह वैल्यू हो जाएगी 107 और यह 2। 107 और 2 को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 214। अब दशमलव के बाद कुल अंक कितने रखें, इसके लिए आप देखेंगे जिनको आप गुणा कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। पहली संख्या में 2 अंक हैं और दूसरी संख्या में भी 2 अंक हैं, अर्थात कुल 4 अंक हमें दशमलव के बाद रखने होंगे, लेकिन हमारे पास केवल 3 ही अंक हैं, तो चौथे अंक को हम शून्य से पूरा करेंगे, तो आंसर आएगा 0.0214। प्रश्न के 8वें भाग में हमें 10.05 को 1.05 से गुणा करना है, तो आप 1005 को 105 से गुणा कर लेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि दशमलव के बाद हमें कुल कितने अंक रखने हैं, तो पहली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, अर्थात हमें दशमलव के बाद कुल 4 अंक इसके गुणनफल में रखने होंगे, तो 1, 2, 3, 4 0.05 के बीच आएगा, तो आप आंसर लिखेंगे 10.5525। अगला प्रश्न, यदि इसमें दशमलव नहीं होता तो हम इसे 10101 पढ़ते और इसे हम केवल 1 पढ़ते, तो 10101 को यदि आप 1 से गुणा करोगे तो 10101 ही मिलेगा। अब आप देखेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक पहली संख्या में है और 2 अंक दूसरी संख्या में है, तो कुल 4 अंक हमें गुणनफल में रखने होंगे, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। अंतिम प्रश्न है 100.01 को आपने 1.1 से गुणा करना है, तो आप 11 से पहले इसे गुणा कर लेंगे। 11 एकम 11, कैरी 1, 11 और शून्य को गुणा करेंगे 0, उसमें कैरी 1 ऐड करेंगे तो 1, 11 और 0 को गुणा करेंगे 0, 11 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11, 1 इज 11। अब दशमलव के बाद कुल कितने अंक रखने होंगे, 2 अंक पहली संख्या में है और 1 अंक दूसरी संख्या में है, अर्थात कुल 3 अंक हमें रखने होंगे, तो हमें दशमलव यहाँ पर लगाना होगा ताकि दशमलव के बाद 3 अंक रहें, तो इसका आंसर आ जाएगा 110.011। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।